हेलो, क्या आप लव गुरु बोल रहे हैं? यस, मैं लव गुरु बोल रहा हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आपकी क्या प्रॉब्लम? लव गुरु, आई रियली लव रोहन और मुझे रोहन किसी भी हालत में चाहिए। देखिए मल्लिका जी, आप ये फैसला ठंडे दिमाग से कीजिए। आप गलत नहीं हैं, लेकिन आपको इसके बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। लव गुरु, मैं बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच कर ये फैसला ले रही हूँ और मैं फैसला ले चुकी हूँ। मुझे रोहन किसी भी हालात में चाहिए। ओके मल्लिका जी, जब आपने अपना मन बना ही लिया है तो अब आप वो करेंगी जो मैं आपको कहूँगा। पर इससे मुझे रोहन मिल तो जाएगा ना? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको रोहन जरूर मिलेगा। बस जैसा मैंने कहा है वैसा आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आज से मैं आपको जो कहूंगा वही करना है, लेकिन सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि वो लड़का रोहन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा लव गुरु? उसके लिए यू हैव टू सी कि वो कोई ऐसा मूव करे जिससे उसके एक्शन जस्टिफाई हो और उसे आपके पास आने का मौका मिले। और एक बार जब वो आपके करीब आ गया तो वही तो गलती करेगा। मैं समझ गई आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। आज से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रोहन मेरे ज्यादा से ज्यादा करीब आ सके, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी जिसकी वजह से हम दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिले। थैंक यू लव गुरु, थैंक यू। मुझे तेरी और रोहन की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि तेरी शादी हो, लेकिन मुझे रोहन की फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं है। रोहन की फैमिली की पूरी डिटेल्स निकाले बिना मैं उन्हें अपनी बेटी नहीं दे सकती। लेकिन मॉम, रोहन ने आपको बताया था कि उसके मॉम डैड नहीं है और उसकी परवरिश उसके अंकल ने किया है जो 2 साल पहले नहीं रहे। निधि, हाँ तो यही तो प्रॉब्लम है ना निधि, जिसकी अपनी फैमिली नहीं है वो एक फैमिली को कैसे रेस करेगा? मुझे रोहन पे डाउट है और देख, ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, तो मैं ऐसे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। आई नीड टाइम टू थिंक। और वैसे भी तुझे अपने प्रोजेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, तो तू अपने प्रोजेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर, क्योंकि अगले हफ्ते तेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है? लेकिन मॉम, लेकिन वेकिन कुछ नहीं निधि, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मुझे बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। अपने प्रोजेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर, समझी? जा। बेबी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारी मॉम को अपनी तरफ से अच्छे से कन्विंस कर लूंगा। तुम बस जल्दी वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर यहाँ वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मॉम को तुम अच्छे से ट्रीट करना, क्योंकि मॉम के सारे मूड स्विंग्स होते हैं। जब उनके बेटी के सारे ऑड स्विंग्स को मैंने संभाल लिया है तो उन्हें भी संभाल लूंगा। अब उन पे चलेगा रोहन का जादू। तुम बस जल्दी वापस आ जाओ। आई रियली मिस यू। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी आने की। निधि, आई लव यू। आई लव यू टू। हेलो, हाँ मल्लिका जी, मैं रोहन बोल रहा हूँ। हेलो रोहन, कैसे हो? ऑल ओके? ऑल गुड। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? ओके। देखो, कल सुबह मैं निधि को छोड़ने एयरपोर्ट जा रही हूँ, तो तुम उसके बाद आ जाना, लाइक अराउंड 1 o'clock। फाइन, ठीक है, मैं आपसे कल मिलता हूँ। बाय, टेक केयर। थैंक यू।
अगर लव गुरु का प्रेडिक्शन सही है तो वो सामने से फोन जरूर करेगा। लगता है लव गुरु का फॉर्मूला काम कर गया, रह नहीं पाया मेरे बिना। हेलो हेलो रोहन, कैसे हो तुम? सब ठीक? मैं ठीक हूँ। कहो। वो बात ये कि कल मेरा बर्थडे है और निधि के नहीं होने पर मैं काफी अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं अपना बर्थडे आपके साथ बिता सकता हूँ? पहली बात तो कल के बर्थडे के लिए आज ही एडवांस विश, हैप्पी बर्थडे रोहन। थैंक यू। और हाँ, मेरे होते हुए तुम कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करना। आई प्रॉमिस, तुम्हारा कल का बर्थडे अब तक का बेस्ट बर्थडे होगा। थैंक्स अ लॉट मलिका जी, आपने ये कहकर मुझे अपने फैमिली का और भी खास हिस्सा बना लिया, तो मैं आपको कल मिलता हूँ। हाँ, कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय। थैंक यू लव गुरु। मल्लिका जी, मल्लिका जी, वाओ, बेरिली, सरप्राइज। थैंक यू मल्लिका जी, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। अपनों के लिए इतना तो बनता है ना। आपने मुझे अपना समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं तो आपको अपना समझती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अपना नहीं समझते। अरे ऐसा नहीं है, मुझे आपकी और निधि की फिक्र हमेशा रहती है। अब तुम्हें कैसे बताऊँ रोहन, निधि के पापा के जाने के बाद मुझे ही पता है कि मैंने उसे कैसे संभाला है। उसे कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दी और उसकी वजह से कभी अपनी खुशी के बारे में सोचा भी नहीं। मुझे पता है मल्लिका जी, मुझे पता है आपने कितना सहा है। आपने निधि के लिए जो किया है ना, कोई नहीं कर सकता, और मैं दिल से आपका इसी बात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कभी भी अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस नहीं दी। आई नो दैट। थैंक यू रोहन। चलो तुम्हारा केक काटते हैं। ओह थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. आखिर मैंने तुम्हारी मम्मी को मना ही लिया। या, मुझे पता था तुम ये कर लोगे। आई लव यू बेबी, आई लव यू। अगर आप नहीं होते तो रोहन मेरा कभी नहीं होता। थैंक यू सो मच।